अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हो भाई लोग? ठीक ठाक हो? खुश हो? मजे में हो? व्लॉग चैनल है हमारा एक अदद व्लॉग्स बाय सुलेमान। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छा अच्छा फीडबैक दो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो हम डेली व्लॉगर्स हो चुके हैं, जरूर जाके सब्सक्राइब करो और कमेंट में हमें बताओ कि तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। मोशी भाई जो है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आए हुए हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, फूड व्लॉगर हैं तुम लोग। महीना होने वाला, हाँ तुम लोग हमारे साथ देख रहे हो, इनकी पूरी सीरीज चल रही है। आजकल मौजूद हैं बेंगलोर में, तो कल इन्होंने हमें बहुत प्यारे अपार्टमेंट्स दिखाए थे, लग्जरी अपार्टमेंट। नहीं, लोग लिख रहे थे कमेंट में कि इससे अच्छे अपार्टमेंट्स भी हैं, ये लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं है। अच्छा। लेकिन लोग कह रहे थे कि ये इस तरह के बहुत हैं इंडिया में। आप लोगों के कमेंट्स में उनसे गो थ्रू कर रहा था, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिएगा। पूरी सीरीज चल रही है इनकी, कैसे इंडिया है, इनका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसी मेहमान नवाजी है, लोग कैसे हैं, तो वो सारी हमारे साथ आप देख सकते हैं। आज जहां पर ये आज इन्होंने लिखा है कि दो, इनके थंबनेल पे लिखा है कि 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा ये खाना खाने के लिए, और कुछ चिकन रोल और ब्रोस्ट ये खाने जा रहे हैं, अल अमना एंड ब्रोस्ट खान। तो ये कहाँ पर है? जाहिर सी बात है बेंगलोर में मौजूद है, वहीं पे होंगे होगा। और ये बेसिकली नॉन वेज हैं, तो जाहिर सी बात है नॉन वेज वो खा रहे हैं, तो देख लेते हैं। और इनके व्लॉग्स इसलिए भी मज़े के होते हैं क्योंकि लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और मज़ा आता है। तो देखते हैं कौन सी जगह है ये, इनको फूड कैसा लगता है और कितने लोगों से ये इंटरेक्ट करते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे हो जाए, यमी। ये इस शॉप को बड़ा ही डीपली जानते हैं। बला बहुत सारी सॉसेज हैं आपका फेवरेट। नाइस, बेंगलोर में ही है, बेंगलुरु में। काफी टाइम हो गया ना। हाँ दोस्तों भाई, मैं अच्छा लाइन में लगी, मैं और बहुत लकी हूँ कि इस टाइम लाइन बहुत छोटी है। ये कम से कम भी 50-50 मीटर तक होती है, यहाँ से जाती है वो पीछे तक। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तब भी तक कम से कम 30-35 बंदा खड़ा हुआ। तो भाई ये कम से कम अल मशहूर अल अमाना कैफे, देखो रश। जिससे भी मैंने बेंगलोर में पूछा है, उन्होंने कहा भाई अल अमाना कैफे खाए बगैर बेंगलोर से बच जाना। तो खैर शाम को तो मैं यहाँ से गुजरा था, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वेट था, 1.5 से 2 घंटे। मैंने रात के 10 बजे आते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर रात के 10 बजे भी लाइन लगी हुई है भाई, वो देखो क्या सीन है अंदर। तो भाई जब भी मैं अमाना के सामने से गुजरा हूँ बहुत लंबी लंबी लाइन होती है भाई, तो मैंने इस वजह से रात को आने का फैसला किया था। तकरीबन 30-35 बंदे खड़े हैं अंदर से बैठे हुए भी हैं, देखते हैं क्या स्पेशल है। ना सिर्फ पूरे बेंगलोर से, पूरे कर्नाटका से यहाँ पे आते हैं, रोल है मेरे साथ है, ये भाई ये बड़ी देर से खड़े हुए, इनसे पूछते हैं ब्रो हिंदी नहीं आती है तो ब्रो हाउ आर यू ब्रो? विष्णु भाई से पूछा यहाँ क्यों इतने लोग खड़े हैं और आखिर यहाँ क्या ऐसी स्पेशल चीज है? What do you recommend? What should I try? In crispy chicken roll space. Chicken roll. Crispy chicken roll. Crispy, crispy chicken. तो विष्णु भाई यहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं कब से। और वाकई मजे का लग रहा है, इतना बड़ा रोल है। Any other items? Kudu roll. Kudu roll. I will try. And then I let you know. Okay, विष्णु भाई. Okay, तो विष्णु भाई ने कहा है ये कुडू रोल। हिंदी नहीं आती ना प्यारे। और क्रिस्पी चिकन रोल खाते हैं, हो सकता है कन्नड़ा लैंग्वेज आती हो ना, बेंगलुरु में कन्नड़ा चलती है। हाँ वो शुरू से बता रहे हैं कन्नड़ा लैंग्वेज, 1.5 आवर 2 आवर कर्नाटका लिखा है आगे, बेंगलुरु कर्नाटका। तो भाई मेरे साथ मौजूद हैं अर्जुन भाई और ये इस शॉप को बड़ा ही डीपली जानते हैं। वो देखो अर्जुन भाई, कैसे हिंदी? नॉट हिंदी, ओके नो नो इंग्लिश इज फाइन। So what is so special about this place? And I told you, initially 10 years back, there used to be this small counter there. Yeah. So every day I used to pass by here, I see a lot of people on the road, standing in a huge queue. 10 years ago? 10 years ago. So I was wondering what it is, because one day I stood in the queue, I just got a roll from here. So
was so good that every day I used to come here. Then, after 2 years, I shifted from here. But still, I live like 2 hours from here. फिर भी आते हैं भाई, ये कोई लेवल का सीन है अर्जुन भाई, कमिंग फ्रॉम 2 आवर्स जस्ट टू ईट रोल, कह रहे एक काउंटर लगाते थे खाली 10 साल पहले, 2 आवर्स होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया, तो चलो ट्राई करते हैं, इनसे भी सजेशन देते हैं कि क्या खाना है। सो What should I try here? I'll go for chicken kudos special. Yeah, वो ही बता। You didn't take the order. You have to go in the queue, pay the bill, then come in this queue actually. पहले बिल नहीं लिया। मोस्टली हंस रहे थे वो। ये तो 30 मिनट्स हो रीज़न। तो यार अर्जुन भाई ने मुझे बताया कि भाई जहाँ मैं 30 मिनट से वेट कर रहा था वो तो लाइन ही गलत थी, पहले मुझे एक दूसरी लाइन में लगना था जहाँ से मुझे टोकन देना था और ऑर्डर देना था। व्हाट्स हैपनिंग भाई, उधर जा मेरे भाई, चीटिंग करता है तू, ये तो यार मोए मोए हो गया कैमरामैन को, मैं कहूँगा भाई छोड़ो वीडियो स्टूडियो, ये तो अदरवाइज वी विल वेट हियर टिल मिडनाइट ना। उसमें भी राश होगा लेकिन अगर वो बंदा ना बताता अर्जुन भाई, अदरवाइज एंड में पहुंचे तो पता लगा वेयर इज योर ऑर्डर। ओके थैंक यू ब्रो। 1 आवर लेटर फाइनली भाई आफ्टर 1 आवर मेरी बारी आ गई है, देख सकते हो आफ्टर 1 आवर ये वही है अर्जुन भाई, मुझे लोग बड़े कह रहे हैं ना उन्होंने देख लिया तो फेवर दी, ये बंदे से रिक्वेस्ट आधा घंटा क्या फेवर दिए, काफी तरह के इनके हैं ये, किसी ने कोई फेवर दिया हमने मिस कर दी, अब देख के हमने कहा जो सबसे फेमस है वो ट्राई करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं कितनी प्रिपरेशन हो रही है, बहुत सारे सॉसेज हैं, ग्रिल चिकन है और बहुत ही तरह की वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, देखने में बहुत ही मजेदार लग रहा है, आप देख सकते हैं क्या क्या जिस तरह ये तैयार कर रहे हैं यार, साहब ने कुडू रोल बताया, एक ने तो क्रिस्पी चिकन बताया, हाँ बना सकते हो नहीं, इनको आदत हो जाती है। और भाई फाइनली कामयाब हो गए, जैसा मैंने बताया 1 घंटे तकरीबन लग गया है और ये रात के 11 बजे 7 बजे आओ, अच्छा हमारे यहाँ सेवर पे इतना रश होता है 2.5 घंटे तो नॉर्मल है, यू आर वेरी लकी अगर आप इससे कम है सेवर का, पता नहीं भाई क्या चीज है, खा के देखते हैं, शवारमे बर्गर तो सारी जिंदगी खाए, लो भाई अब माल खोलते हैं फिर आपको रिव्यू दे, अच्छा यहाँ से रोल्स हैं ब्रोस्ट के लिए कहीं और जाएंगे शायद, शुगर अच्छा वो जिस तरह पैक कर रहा था ना जल्दी 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 लेयर्स बहुत ज्यादा है, तो खोलते हैं फिर देखते हैं, ओ अरे यार ये तो मैं तो नहीं खा सकती, मैं खा लूं मेरा भी दिल कर गया, हाँ बहुत ही हैवी किस्म है, आगे फिर आपको बताते हैं, पीछे आप देख सकते हैं लोग अभी भी लाइनों में लगे हैं, जैसे वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे जितने सॉस डाल रहे थे जितने इंग्रेडिएंट्स डाल रहे थे, यकीन करें एक एक चीज का मुझे जायका आ रहा था, नहीं यार भाई 1 घंटे में मेरा 1 घंटे में ऐसे रिव्यू नहीं दूंगा, एक और हो जाए यार, ये मेरा भी पहली चीज है जो मेरा दिल कर गया, एक एक चीज का टेस्ट भैया एक नंबर है भाई, एक नंबर है बेंगलोर, हाँ भाई बेंगलोर आना है माना के पास, मेरा शोर हो गया है, कमाल हो गया, लोग बड़े बहुत फ्रेंडली है यार, यहाँ रिव्यू दे रहे हैं, आप ये देख सकते हैं जिस टाइम ने चीजें डाली है यार, बहुत सारी चीजें, चीज भी है, अंडा भी था, फ्राइड चिकन है, मैंने फ्राइड चिकन वाला लिया थोड़ा सा, और बहुत सारी सॉसेज है, ओ ब्रो भाई लोगों कैमरामैन का क्या हाल हो रहा है, कैमरामैन के लिए भी लिया होगा वैसे कह रहे हैं जो इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े बर्गर स्टोर में नाम बनाए हैं आप जानते हैं, कह रहे हैं मैंने बहुत ब्लॉग बनाए भाई, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से शवारमे और चिकन रोल खाए हैं लेकिन जिस प्राइस में ये जो टेस्ट और क्वालिटी दे रहे थे शायद मैंने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे पे भी वो पड़ जाता खर्चा, मैं भी 2 घंटे दूर रहता हूँ तो जरूर आता, तो भाई यहाँ तो आना बनता है, अब मैं ये खाता हूँ जैसा मैं फूडी हूँ ना मैं भी आता था, मेरे साथ ये भाई आए हैं इनसे पूछते हैं, ये बहुत एक्साइटेड है,
ये क्या नाम है? अरबाज खान। ओह अरबाज खान, अभी तो वही है सलमान खान के भाई वाला। क्या हाल है, लोग समझते सलमान खान भाई वाला है। क्या सीन है यार, मैंने एक घंटा वेट किया है फिर खाया यार, बड़ा है यार। बेंगलोर पे फुल फेमस है, पूरा बेंगलोर है फुल फेमस है। कहाँ से आए हो? इधर से एक 10 किलोमीटर दूर केयरपुरम के भाई पीछे से। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बेंगलोर, लेकिन मजा आया बहुत अच्छा है। कब से आ रहे हो? हम 3 साल से इधर ही आ रहे हैं। 3 साल से आ रहे हो? साल से भैया। अगर मैं बेंगलोर सैटरडे से, तो ये रश ऐसे ही होता है इस तरह लोग खड़े हुए? और कम है और ज्यादा रहता है। क्या कहा था कि भाई ये कम है, अगर एक घंटा इंतजार किया है डबल होता है। चलो अरबाज भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, थैंक यू यार, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंजॉय। अब आगे कदर दोस्त खान, ब्रोस्ट खान, नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ब्रोस्ट खान। जी हाँ, ब्रोस्ट खान जो भी बेंगलोर में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्राइड चिकन जिन जिन को भी पसंद है भाई, उनके लिए ये बहुत फेमस जगह है। अच्छा, 15 मिनट बोला है, उसके पहले कैसे आप इधर आके यार, आप देख सकते हैं इनका मेन्यू कितना बड़ा है यहाँ पे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्योंकि ब्रोस्ट है तो हम ब्रोस्ट ऑर्डर करेंगे। ये 240 वाला भाई कह रहे हैं कि नहीं, ब्रांच भी खोल रहे हैं, बहुत फेमस है बेंगलोर में, नाम अच्छा है ब्रोस्ट खान। सर वहीं पे करेंगे। अच्छा, चारकोल शोरमा, चारकोल शोरमा, वेट करते हैं सर, वो करेंगे। आ जाए, देखो उधर भी रश था, इधर भी, उधर सीटिंग नहीं थी ना इतनी, उधर ज्यादा खड़े होने वाला था। उन्होंने कहा है कि भाई आप बैठे, मैंने कहा यार रिव्यू करेंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे भाई, मैंने कहा ठीक है बैठे और आंखें बंद करके रिव्यू दें, हमें पता है रिव्यू बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्त आपको पता है मैंने बड़े खाए हैं और मेरा वन ऑफ माई फेवरेट भी है, उसको देखते हैं क्या सीन है। और जैसे मैंने बताया कि उनकी नई ब्रांच खुलने वाली है ग्रैंड ओपनिंग संजय नगर में, अगर तो अच्छा हुआ तो आप जाइएगा। अच्छा ये भी लिखा हुआ कि अवार्ड विनिंग मोस्ट पॉपुलर ब्रोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ में मौजूद है इस वक्त, मुंबई में भी है, बेंगलोर में तो है ही है फेमस, तो बड़ा बेताबी से इंतजार हो रहा है। अच्छा एक इनकी एक और बात मुझे पता लगी है कि अगर ज्यादा चीजें मंगाओ ये कहते नहीं है, कहते भाई आहिस्ता आहिस्ता करके देते हैं ताकि फ्रेशनेस हो, अगर ज्यादा करके दे रहे हैं। जो भी एक कस्टमर का मैंने देखा है वो चल रहा था राजमा, उन्होंने कहा भाई ये खा लो, दूसरी चीज रेडी है हम फौरन दे देंगे आपको, ताकि वो क्रिस्पीनेस और फ्रेशनेस ना जाए। देखते हैं, खैर बहुत बड़ी इनका मेन्यू जैसे मैंने बताया है, हमने सिर्फ एक गोश्त मंगाया है। मंडी क्या चीज है? ब्रोस्ट मंडी, मंडी होती है ना चावल पे, हाँ चावल सा चिकन यहाँ पे भी मिलता है मंडी। तो भैया ब्रोस्ट आ गया है और भाई खुशबू यहाँ से फील होगी, नाइस होने वाला है, लेकिन खा के बताऊंगा पहले नहीं बोलूंगा। अच्छा ये देखे यार, ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है और फ्रेशनेस ऐसी, सऊदीया का बेक है ना, अल बेक, तो कहते हैं तक इंजेक्ट होता है उसमें मसाले होते हैं, बहुत मशहूर है, बिल्कुल जिस तरह हमारे वहाँ मिलता है उसी तरह है, साथ थोड़े से फ्राइज दिए, फ्राइज का मैं बड़ा चूजी हूँ तो फ्राइज खा के फ्राइज ही। अच्छा साथ ये बन दिया है, अगर इन्होंने साथ बंदा ना ना रखा होता तो कैमरे वाला फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो रिकॉर्ड, बड़ा फिट रिव्यू होने वाला है। अब ये खा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करता है, अच्छा ना लगा भाई जान, रिव्यू अच्छा नहीं आया, थोड़ा इससे फ्राइज खा के देखते हैं यार, गार्लिक तो फिट है। अच्छा देख ये देखें, देखते अंदर कितना जूसी है, जरा ना भाई किसी से तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रोस्ट और खान पे मौजूद है, रात के 12 बजे की रश है, सीधा लाके डाल दिया, तो भाई थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट, थोड़ा ठंडा हो जाए। चम्मच की मदद से चम्मच, और ये देखे मसाले देखे, खोलने के बाद भेजते ये मसाला लगा हुआ है, हाँ ये देखो, मुझे इनका समझ आ रहा है गुराज भाई, मुंह में पानी आ गया, इंजेक्ट करते हैं अक्सर आप बाद में खाएंगे ना, ड्राई हो जाएगा। तो भाई अब आप पहले इसी बाइट लेंगे रोस्टर खान वालों के दोस्त, बाहर भी देखो
अच्छा लगा इतना क्रिस्पी इतना मजेदार इतना जूसी ब्रोस खाते साथ ही मैं तो भाई ब्रोस खान वालों का फैन ही हो गया जैसे जो अंदर से फ्रेशनेस लग ही रहा है क्रिस्पी ये कोटिंग है ना मुझे झड़ रही है देखो रेड बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी कच्चा नहीं लग रहा है ब्रोस की कोटिंग झड़ रही है मैंने इतना क्रिस्पी वो देखो शवारमा सफाई देखो कितनी रखी हुई ओ क्रिस्पी है क्रच की आवाज भी है हैवी कितना ना लेवल है यार ये देखो ये अंदर से मसाला ये जूसीनेस है ये कितनी हीट कर रही है शायद आपको नजर आ रहा होगा ये आपके फुल फ्राई है ऊपर ये वाली जूसी आपका चिकन आता है बहुत सी लेवल है यार ये तो मैं खा मुझे लगा था मैं नहीं खा पाऊंगा लेकिन ये तो मैं पूरा ही खा जाऊंगा और एक और भी ऑर्डर करूंगा इसके बाद अच्छा इनका बहुत ही सॉफ्ट सा बन है मुझे जो इनके ऑनर है या मैनेजर है उन्होंने कहा बन के साथ भी ट्राई करें और उनका रिव्यू है बहुत ही सॉफ्ट फिर से निकाल के देखते हैं फिर बन बार आ गए तो भाई जितना मजेदार ये रूखा खाने में लग रहा था बन और भाई मजेदार गार्लिक मायो के साथ उससे डबल मजेदार लग रहा था यार मैं थोड़े डाउन मूड से आया था रोल इतना अच्छा रोल के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी ना यहाँ पे थी तो ये अगर खाली अच्छा भी होता ना तो मैं कहता अच्छा है यार रोज खान बैंगलोर भाई यार एक और चीज ढूंढती है बैंगलोर वालों को देखो मैं बाहर से आया हूँ मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ वो रो है बिल्कुल बंदा मैं कोई बाइस टेस्ट के लिए नहीं जो खाऊंगा जैसा लगेगा बता दूँगा क्या बात आप भी ऐसे आ रहे हैं खिलाने के लिए मैं ये कहाँ से मंगवा यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होगा चिकन ब्रोस्ट के नाम से एक है लेकिन वो ठीक है आपको यार ये ब्रोस्ट और रोस्ट की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी लेट नाइट फूड था बैंगलोर में आप लोगों के लिए मैंने कहा एक रिव्यू कर दें तो भाई प्लीज चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें भाई अगर ऐसी और मजीद वीडियो देखना चाहते हैं हम शेयरिंग भी करेंगे फूड के अलावा भी बहुत सी वीडियो बनाएंगे तो सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और कहाँ जाएं कमेंट में बताना है सब्सक्राइब करते रहना है अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें मज़ेदार आज तो मुंह में सही वाला पानी ले आए हैं क्योंकि दोनों जगहें की चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी और अल अमाना जो है और ब्रोस खान अल अमाना का कुडू रोल और लाइन उसकी देखो कहाँ तक थी और वो कह रहे हैं तो कुछ नहीं है मेन रोड तक लाइन हाँ कह रहे पूरी रोड से लाइन जाती है और वो जिस तरह से बना ही रहे थे मैं समझ गया था सफाई बहुत थी कोई कमाल चीज़ है फिर उसके बाद ब्रोस खान पे आए ब्रोस खान में जब इन्होंने चिकन खोला है ना मुंह में पानी आ गया अच्छा वो कह रहे हैं कि लगता है इसे इंजेक्ट किया होता है इंजेक्टेड आजकल नया एक ट्रेंड चला है इंजेक्टेड मसाले सारे इंजेक्टेड होते हैं सऊदीया का मशहूर अलबैक है और इस तरह का जो है ना हमारे घर के पास मैंने बड़ा ढूंढा यार कोई ब्रोस्ट मिल जाए फिर एक चिकन ब्रोस्ट नाम से मुझे मिला हाँ लेकिन खैर वो भी कुछ इंजेक्ट करते हैं तो ठीक था मैंने खैर लेकिन ये दो मेरा इतना दिल किया कि यार किसी तरह मैं ये अंदर घुस जाऊं स्क्रीन की और इनसे थोड़ा सा पकड़ रश यहाँ पे कितना था हाँ। सीटिंग सारी भरी हुई और सबसे मजे की बात है उनकी सफाई देखो उनका एक, एक तरीका जो उनका है कि यार लाइन में लगो और हम आपको एक वक्त में एक आइटम देंगे आराम से वो खाओ दूसरा फ्रेश रहे फिर दूसरा गर्मा गर्म ले आकर देंगे तो एक तरीका है और लोगों की सबसे बड़ी बात जो लोग मिल रहे हैं वो बेंगलुरु के कितने फ्रेंडली हैं प्यार से बात कर रहे हैं और एक जिसने बचा लिया इनको स्लिप ले आओ भाई वरना तुम इस लाइन में स्लिप लेके खड़े होना होता है तो वो लोग वो खुद भी बोल रहे हैं कि यार लोग बड़े फ्रेंडली हैं बेंगलुरु के तो मेरे ख्याल से वो ज्यादातर लोग जो है ना तो कहने के मैं हिंदी नहीं वो कन्नड़ा लैंग्वेज है जानते और हैं इंग्लिश
तो इसलिए वो फिर इंग्लिश में उनसे बात कर रहे थे। आई होप आपके भी मुंह में सही वाला पानी आया होगा और आपको भी मज़ा आया होगा। इसी तरह ये और सीरीज़ भी लाएंगे, फूड की भी लाएंगे, और कह रहे हैं घूमेंगे फिरेंगे भी, तो आप हमें बता सकते हैं हम मज़ीद इनकी सीरीज़ पे रिएक्ट करें कि ना करें। हाँ, इसको अपनी पढ़िए कि मैं कुछ खा लूँ। तो जी हम खैर इस मामले को सॉर्ट आउट करते हैं कि आज हमने क्या खाना है या नहीं खाना। नहीं खाया तो मैं स्टोरी डाल दूंगी। तो आप लोग कर दो जल्दी से उसको, करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना जैसा ख्याल रखिए।